अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। शादीशुदा औरत अपने वालिदैन से जायदाद का हिस्सा मांग सकती है? मांग सकती है, क्यों नहीं मांग सकती? उसका हिस्सा है वालिदैन की जायदाद में। तवाफ के दौरान खा पी सकते हैं? क्यों? भूख लगी होती है तो पहले खा पी के फिर तवाफ शुरू करो। इस्लाम में तबलीगी जमात में वक्त लगाना ज़रूरी। इस्लाम का हुक्म ही यही है कि तबलीग करो। वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र, मोमिन की निशानियाँ यही हैं। आमनु आमिलु सालिहा, फिर तवासो बिल हक तवासो बिल सब्र। अगर एक औरत को अय्याम हैज़ हैं लेकिन वह हैज़ का खून बंद नहीं हो रहा तो ये इस्तिहादा है, हैज़ नहीं है। वो गुस्ल करके नमाज पढ़ सकती है, तवाफ उमरा भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। एक बच्चा अगवा हुआ है क्वेटा से 12 साल से, अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह ताला उसको महफूज रखे और खैर से मिल जाए। कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, इस्तग़फार ज़्यादा पढ़ो। हमारे गांव में सब मस्जिदें जो हैं वो अहले बिदत की हैं। हम जाते हैं तो हमसे लड़ते हैं, तो आप ना जाएं, अपनी जमात कर लिया करें किसी दूसरी जगह या किसी मकान में एक मुसल्ला बना लें नमाज पढ़ने की जगह। कहते जी कि औरत को हमल के बाद कितने महीने तक मियां बीवी मिल सकते हैं? शरीयत में कोई मना नहीं है, बाकी लेडी डॉक्टर से पूछो। मेरे दोस्त हिंदू ने कहा कि हजर अस्वद को जन्नत से क्यों लाया गया, इसमें क्या हिकमत? यही हिकमत है कि तुम्हारी तरह ये नहीं कि खुद पत्थर उठा लो और पूजना शुरू कर दो। ये आया ही जन्नत है, ये यहाँ का पत्थर नहीं है कि मैं उसको बोसे दे रहे हैं। इसलिए तुम्हारे अकीदे को बातल करने के लिए अल्लाह ने इसे जन्नत से भेजा। अगर हमने पत्थर को ही बोसा देना तो बाकी पूरा काबे के पत्थर भी तो मौजूद है, हम उनको बोसा क्यों नहीं देते? कहते हैं कि हज और उमरे में सर क्यों उठाते हैं? ताकि उस कुर्बानी की याद ताज़ा हो जो सैयदना इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए दी, कि या अल्लाह हमने भी गर्दन झुका दी। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, बैंक से कर्जा लेके उमरा बिल्कुल न लें, घर के लिए भी ना लें, उमरे को क्यों? उमरा करना को फ़र्ज थोड़ा है कि कर्जे लो और वो भी सूद पर। अगर रमज़ान में कोई रोज़ा रह जाए तो रमज़ान के बाद कज़ा करे। कैंसर के लिए मैंने कई दफ़ा बताया है आयत लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा।